नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। दुनिया में रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर आमजन से लेकर सरकारें तक चिंतित हैं। महिलाओं के प्रति रेप की घटनाओं को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपने कई तरह के रेप के मामले सुने होंगे, जिनमें गैंग रेप, अप्राकृतिक रेप आदि शामिल होते हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि लोग आजकल कितने डिजिटल हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलना, पेमेंट करना, खाना मंगवाना, कुछ भी काम हो वह सभी डिजिटल के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें डिजिटल तरीके से रेप करने का आरोप एक लड़की ने लगाया है। दरअसल यह घटना ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में एक लड़की ने पुलिस के पास वर्चुअल गैंग रेप का एक मामला दर्ज करवाया है। लड़की के अनुसार वो डिजिटल वर्ल्ड में VR हेडसेट का इस्तेमाल कर ऑनलाइन अवतार के जरिए लोगों से कनेक्ट कर गेम खेल रही थी। उसी समय 6 अवतारों ने उसे घेर लिया और कथित तौर पर उसका गैंग रेप किया। अब एक सवाल यहाँ सबके मन में आ रहा होगा कि क्या होती है मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया। दरअसल इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना वर्चुअल अवतार बना सकता है। इस तरह से वर्चुअल दुनिया में यूजर का शरीर माना जाता है। होता तो ये एक तरह का एनिमेशन है, यानी कार्टून, लेकिन बिल्कुल असली लगता है। इसके बाद यूजर VR हेडसेट पहनता है और वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है। वर्चुअल दुनिया में इसी के जरिए लोग एक दूसरे को पहचान करते हैं। इसी के जरिए लोगों की दोस्ती या दुश्मनी भी हो जाती है। हालांकि इसमें किसी तरह का फिजिकल नुकसान नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के वर्चुअल अवतार को टॉर्चर करने या उसका शोषण करने पर उसकी असल जिंदगी में आहत होती है। क्या होता है वर्चुअल रेप? इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में रेप जैसा गंभीर अपराध हाल ही में सुनने को मिला है। वर्चुअल दुनिया से जुड़ा व्यक्ति जब VR हेडसेट लगाता है तो उसे वो सभी चीजें आभास होती हैं जैसे वो असली हों। कानूनी तौर पर इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन आभासी दुनिया में कोई शख्स आकर यदि यूजर को जबरन छुए तो ये यौन शोषण की श्रेणी में आता है। इस तरह व्यक्ति के साथ दुष्कर्म की घटना भी होती है। इसे पीड़ित शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जरूर परेशान होता है। कई बार इसके चलते पीड़ित लंबे समय के लिए ट्रॉमा में भी चला जाता है। वर्चुअल रेप का पहला मामला साल 1993 में आया था। साल 2022 में एक रिसर्चर के साथ फेसबुक के मेटावर्स में जाने के एक घंटे के अंदर ही वहां मौजूद एक दूसरे अवतार ने रेप किया था। रिसर्चर ने कहा था कि रेप वर्चुअल दुनिया में हुआ, इसके बावजूद उन्हें रेप होने का एहसास हो रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन की 45 साल की साइकोलॉजिस्ट नीना जैन पटेल ने फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि फेसबुक के मेटावर्स में उनके साथ गैंगरेप किया गया था। द एक्सटेंडेड माइंडेड की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल रियलिटी के शुरुआती दिनों में 49% महिला यूजर्स को वर्चुअल यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। जबकि इन प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक है। वे महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के एंगल से उतना नहीं सोचते हैं जितना कि महिलाएं सोच सकती हैं। जहां एक ओर डिजिटल दुनिया लोगों का राइट हैंड बनकर लोगों की मदद कर रही है, तो वहीं कुछ खुराफाती लोग डिजिटल का अलग ही तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जो समाज में एक सकारात्मक छवि नहीं बना पा रहा है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। बेवक्त सच। नमस्कार।